फूल पकड़ लिया है। आजम खान ने क्या कहा पहले जरा वो सुनिए। इस तरह से भी संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वो भी कुकर्म नहीं कर रहे, क्योंकि राजनीति में अब इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गाली गलौज होने लगी है कि कुछ भी हो सकता है। बात बहुत गंभीर है, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तीन बलात्कार एकदम हो गए, तीन हादसे हो गए, और इसके पीछे का सच क्या है वो अगर मालूम हो जाए अच्छा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते? चुनाव करीब, चुनाव करीब, और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से आजम खान के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों इशारों में उसे खारिज कर दिया। सर आजम खान कह रहे हैं कि एक लार्जर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जो भी बुलंदशहर में हुआ है। मुझे मालूम नहीं, उन्हें मालूम होगा। आजम खान साहब के बयानों पर मेरे ख्याल से बयान देना उचित नहीं। एक 14 साल की बेटी की इज्जत लूटी और तुम इसे राजनीतिक साजिश कहते हो, शर्म आनी चाहिए आपको आजम खान जी अगर आपने ये कहा है तो। आजम खान जी क्या बोलते हैं मेरी तो समझ से परे है। मुझे लगता है कि ये उनकी संवेदनहीनता है, उन्हें अपनी सरकार को बचाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार की क्या ठोस योजना है वो बताएं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को। और जो लगता है कि ये उनकी संवेदनहीनता है, उन्हें अपनी सरकार को बचाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार की क्या ठोस योजना है वो बताएं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को। और जो दोषी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनको जल्द से जल्द सजा हो। इस मामले में अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें, अन्यथा उन्हें बेबुनियादी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आजम खान जी को मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, भाई हमें बख्श लें। आप जो रोज उठ के कुछ ना कुछ कह देते, पता नहीं सोच समझ के कहते हैं या किसी और कारण से कहते पता नहीं, और या क्या वो अपने आप के इसमें कहते हैं या सरकार की सहारा के साथ कहते हैं, किसी को समझ में नहीं आती। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या समझते हैं भगवान जाने। यहाँ रुकेंगे।